घोषणा करते हैं आज कि लड़कियों की शिक्षा चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, अभी तक सरकारी में फ्री होती है, आज से लड़कियों की जिनकी परिवार की आय 1,80,000 रुपया यहां तक सीमित है, उन लड़कियों की शिक्षा सरकारी के साथ साथ प्राइवेट में भी फ्री होगी। अगर प्राइवेट वालों को पैसा देना होगा तो सरकार देगी, उनको नहीं देना। और ऐसे ही 1,80,000 से लेकर के 3,00,000 तक, 1,80,000 का मतलब महीने का 15,000, 3,00,000 मतलब महीने का 25,000, सारी जनता लगभग इसमें आ जाती है। 25,000 महीने से ऊपर थोड़े से लोग होते हैं, 5-7%। ऐसे लोगों की भी 1,80,000 से 3,00,000 के बीच में लड़कियों के पैसे अगर प्राइवेट में देने पड़ेंगे, आधे पैसे वो भी सरकार देगी प्राइवेट में। अगले ही साल से जो मई से नए एडमिशन शुरू होंगे, इसमें कॉलेज में भी बच्चों की शिक्षा जैसे मैंने बताया वो भी होगी।